हेलो दोस्तों, राणा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम फर्राटा फैन की वाइंडिंग करेंगे। देखिए, तो इसके लिए हम इसमें 6 क्वाइल का जो 30 नंबर का रनिंग में लेंगे, इसके लिए तो इसका डाटा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे डाटा को भेज दूंगा। इसमें टर्न है, टर्न में बताता हूँ, 30 नंबर का SWG 30 नंबर का, इसको डाल लेंगे 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 पोल में इसको डालना है। तो ये डाटा है इसका, जैसे टर्न की संख्या है 240 राउंड प्रत्येक क्वाइल पे। तो इसको डालने के लिए सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से अलग अलग करके, इसको मैं एक फार्मा में इसकी वाइंडिंग किया हूँ, मैं इस फार्मा को बताऊँगा आपको कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार हम फर्राटा फैन का वाइंडिंग करने के लिए इस प्रकार क्वाइल बनाएंगे। बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं इसे बहुत फास्ट बना दिया हूँ। और इसको भी मैं डालने का आपको तरीका बता रहा हूँ। इस प्रकार हम स्टेटर को यहाँ पर रखेंगे सामने में रख कर हम किसी भी साइड से किसी भी तरफ को इसे डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं पहले। देखिए, ये अभी यहाँ पर इसके पेपर हैं, इसको डालते समय इस प्रकार से पेपर कट कर लेना है, ताकि जब क्वाइल डालते जाएंगे तो उसको लगाने में हमें आसानी हो, लगाना पड़ता है। तो इसको हम देखिए, क्वाइल को इस प्रकार पकड़ेंगे और ये स्टेटर को ऐसे पकड़ के हम इस क्वाइल को धीरे धीरे इसके पोल पे इसको अंदर करेंगे, ताकि वो ना कटे ना टूटे। और इसे बहुत धीरे से स्पेस कर करके, ये सिल्वर का वाइंडिंग वायर है, मैं इसमें सिल्वर का फर्राटा फैन में कर रहा हूँ, तो इसे बहुत धीरे से अंदर करना है। और इसके ऊपर इस पेपर को हम ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद ये 1 से 8 में बीच में 6 स्पेस बनेगा, इसमें 6 जगह खाली होगा। 1 से 8 में डालना है 8वां नंबर में। फिर देखिए, बीच में जो स्पेस है इसका 6 हो गया। मैं इसको स्पीड कर देता हूँ, ताकि क्वाइल आपको अच्छी तरह से दिख जाए। देखिए, इस प्रकार आप फर्राटा फैन में एक वाइंडिंग बहुत आराम से इस प्रकार, देखिए बीच में 6 स्पेस है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वाइल के दूसरा क्वाइल को लेते हैं, और देखिए कैसे घुमा है वायर का, ऐसे घुमा है। तो यहाँ पर इसको सेम उसी पोजीशन में, जैसे वायर का घूमना है, जैसे घुमा है जिस साइड से, उसी दिशा को पकड़ के सबसे पहले उसके साइड में 1 से 10 में हम इस क्वाइल को डाल देंगे बहुत सावधानी से, ताकि इसमें स्क्रैच ना हो। ये टूट जाता है तुरंत, थोड़ा सा स्क्रैच आया तो कट जाता है। तो इस प्रकार हम इसको क्वाइल को अच्छी से, इसको हम सावधानी से डाल लेते हैं। स्टेटर को इस प्रकार से हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसमें क्वाइल को पड़ने नहीं देंगे। अगर उसमें क्वाइल आ जाता है तो वो कट सकता है, तो उसे हम अच्छे से रखेंगे। और देखिए, इस प्रकार से सटा हुआ होगा, तो हम इस क्वाइल को भी एक किसी कहीं भी इसका जॉइंट नहीं है। और जब आप कभी भी सिल्वर का वाइंडिंग करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि स्टेटर में कम से कम जॉइंट करना चाहिए, ताकि पंखा बहुत दिन तक चले, टिकाऊ हो, मजबूत हो और इसमें शिकायत ना आए। इस प्रकार 3 क्वाइल का देखिए डाल चुके हैं हम। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के हम इसको दबा देते हैं। दबाने के बाद देखिए, ये इस प्रकार से आ जाएगा, जिससे हमें स्टार्टिंग क्वाइल को डालने के लिए जगह स्पेस बनेगा। और ये एक साइड से हम इसको अच्छी तरह से दबा के उसे व्यवस्थित कर लेंगे, देखिए ऐसे। और इसमें देखिए अच्छे दिख रहा है। इस प्रकार हम इसका स्टार्टिंग वायर और इसका एंडिंग वायर, इसका क्वाइल का जस्ट ऊपर में बड़ा क्वाइल का एक वायर आया है, देखिए इस प्रकार हम इसको
खोलेंगे इस कॉइल को, ये चौथा नंबर का कॉइल है, ये भी बड़ा वाला है, तो इसका जॉइंट है देखिए यहाँ पर, तो इसका कनेक्शन इसको हम कैसे डालेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। सेम उसी पोजीशन में डालेंगे जिस पोजीशन में पहले कॉइल को डालते थे, और इसकी कॉइल की पिच होगा जो है 1 से 12 में, जो उसके जस्ट ऊपर में होता है 1 से 12 में। ये बड़ा कॉइल है, तीसरा नंबर का कॉइल है, और फर्स्ट नंबर का कॉइल था 1 से 8 इसका पिच था, तो हम इसमें 1 से 12 में इस कॉइल को जस्ट उसके साइड में लगाएंगे। इस प्रकार की वाइंडिंग मैं इसको ऐसे वाइंडिंग किया हूँ कि आपको एक भी यहाँ पर जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, और मैं इसको 5 साल पहले भी इसको मैं वाइंडिंग किया था, वो पंखा अभी तक रनिंग है, अभी तक चल रहा है, उसमें कोई शिकायत नहीं आया है। इस प्रकार आप फर्राटा फैन की वाइंडिंग करेंगे, उसमें जॉइंट नहीं करेंगे तो पंखा बहुत दिन तक चलेगा, टिकेगा, और कस्टमर भी इससे बहुत खुश होगा आपसे वाइंडिंग करा के। इस प्रकार आप वाइंडिंग करें तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार देखिए ये रनिंग कॉइल का 5 कॉइल लग गया है, अब बचेगा एक कॉइल जो इस पिच पे लगेगा, जिस पिच को बताया था छोटा वाला कॉइल है, सेम उसी कंडीशन में जैसे वायर घूम रहा है उसको डालना है। तो देखिए 1 से 8 में लगेगा इसका पिच है, तो हम इसको भी इसके जस्ट साइड में डाल देते हैं। अब इसमें जो बीच में स्पेस बचेगा 6 गैप्स के साथ, स्पेस बचेगा 6 पोल की स्पेस के साथ, हम इसे 1 से 8 में डाल देते हैं। इसको बहुत सावधानी से इसको डालना है, और हम इस पेपर को यहाँ अच्छे से लगा लेते हैं। लगाने के बाद देखिए 6 स्पेस से देखिए मैं बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद इसको भी पहले की तरह हम इसको राइट साइड ऐसे दबा देंगे इसके साइड में पीछे से, और उसको लेफ्ट साइड दबाए थे। अब देखिए इसके लिए स्टार्टिंग कॉइल के लिए इसको जगह स्पेस बन जाएगा, देखिए ये बहुत अच्छे तरह से इसके लिए जगह बन गया है। अब इसे हम अच्छे से ये देखिए इसके रनिंग के कॉइल की 2 पॉइंट हमको नज़र आ रही है जिसको हम बांधे थे, यहाँ कोई भी जॉइंट नहीं है। 1 पॉइंट इधर आएगा लेफ्ट साइड, और घूम पर दूसरा पॉइंट आएगा उस साइड, जिसे आप सावधानी से इसको ध्यान में रखना है वाइंडिंग को। इस प्रकार अगर एक ही साइड में दोनों वायर निकलेंगे तो ए वाइंडिंग गलत होगा, जब ए ऐसे घूम रहा है तो जस्ट उसके विपरीत, इस साइड में जस्ट उसके विपरीत, पहले उल्टा फिर सीधा, उल्टा फिर सीधा। इस प्रकार आप इसको ध्यान में रखिए। इसके वाइंडिंग में NS की जो बनेगा, इस प्रकार हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। अब इसके लिए मैं स्टार्टिंग कॉइल जो 32 नंबर की है, देखिए मैं इसको भी फार्मा की मदद से बना लिया हूँ, जो इसकी टर्न है सेम उसी टर्न होगा जो 240 इसकी टर्न है। इस फर्राटा फैन में रनिंग की भी 240 थी और स्टार्टिंग की भी, लेकिन इसमें इसके SWG 32 और ये 32 नंबर का है, पहले 30 नंबर का रनिंग था, अब स्टार्टिंग 32 नंबर का। तो इसको वही अच्छे से हम व्यवस्थित करेंगे, फार्मर में बनाए हैं तो सट गया था देखिए, तो हम इससे अच्छी तरह से धीरे से इसको निकालेंगे। सबसे पहले ये छोटा कॉइल निकला, फिर इससे बड़ा कॉइल निकला, फिर इससे बड़ा 3 और ये 6 कॉइल। 6 कॉइल हमें स्टार्टिंग की पिच के लिए भी चाहिए, और इसके भी पिच होगी 1 से 8, जो 6 की स्पेस में कॉइल डाला है, जो रनिंग कॉइल है उसकी 6 की स्पेस में डाले थे। देखिए जस्ट इसके भी हम जो रनिंग कॉइल की 6 के स्पेस में डाले थे, जस्ट उसी रनिंग कॉइल के हम बीच में इसको डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए आप देख रहे होंगे,
मैं बता रहा हूँ, देखिए इस प्रकार यहाँ से करेंगे तो इस 6 जो रनिंग कॉइल लेना है 1 से 8 में डालते हैं, इसकी भी पिच होगी और हम इसे इसी साइड से डालेंगे जहाँ दोनों साइड से रनिंग कॉइल मुड़ा हुआ है, तो हम इस कोने से उस कोने तक मिल जाए, इस प्रकार इसको डालेंगे। देखिए तो इसको सावधानी से हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं और डालने की प्रक्रिया सेम उसी पोजीशन में होगी जैसे डालते थे, जैसे वायर घुमा है, जैसे राउंड घुमा है, जिस साइड से इसी साइड से हमें उस वायर को डालना है, तो हम उसको ध्यान में रख कर हम उसको डालते जाएंगे। जब इसकी वायर का लीड जब निकलेगा बाहर, जब पूरे वाइंडिंग हो जाएगी, तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड उल्टा और सीधा इसको ध्यान में रख कर इसको डालना है। तो हम सभी कॉइल को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके उसको धीरे से हम इस पर डालेंगे, देखिए इस प्रकार, ताकि वो अच्छे तरह से जम जाए। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस कॉइल को डालना बहुत आसान है। आप भी अपने घर में इसको बहुत आराम से डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी वाइंडिंग की ज़्यादा प्रक्रिया नहीं लगता, इस प्रकार आप बहुत आसानी से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं फराटा फैन की, और इसे बना भी सकते हैं। बनाने का वीडियो भी मैं डालूँगा, देखिए इस प्रकार कि आपको समझ में आ जाए बहुत आसानी से। पीच इसी प्रक्रिया में 1 से 10 सेकेंड वाली कॉइल की जो उसके साइड में आएगा, देखिए हम इसको भी डालते हैं इसी लाइन में जिसे पहले भी डालते आ रहे थे, इसी प्रक्रिया के अनुसार से हम स्टार्टिंग कॉइल को भी इसी पीच में डालते जाएंगे। जिस प्रकार हम रनिंग कॉइल को पहले डालें जो 30 नंबर का था, ये 32 नंबर का था, उससे थोड़ा पतला है, पतला होने के कारण इसको पकड़ने में और पोल में इसके डालने में बहुत आसानी होता है। रनिंग कॉइल की जगह पे इस कॉइल को हम बहुत और जल्दी डाल सकते हैं इससे, देखिए इस प्रकार हम इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी उससे जल्दी इसको हम डाल दिए। देखिए इसके बाद दूसरा कॉइल भी यहाँ पर व्यवस्थित हो गया है, देखिए लग गया ना। अब तीसरा कॉइल भी डालना है, तीसरा कॉइल के पी मैंने क्या बताया था, 1 से 12 तीसरा कॉइल का पीच है, तो 1 से 12 में हम इसको डाल देते हैं सबसे पहले। इसके बाद इसको भी हम कैसे इसको मोड़ेंगे इसको देखना, किस साइड मोड़ना है इसको, ताकि हमें कॉइल डालने में आसानी हो और इसको अच्छी तरह से, देखिए डाल देते हैं सबसे पहले तीसरे कॉइल को। इसमें जो कॉइल हम फार्मा में डाल के बांधे थे, तो उसमें एक पतले पतले वायर लगाए थे, तो उसको खोल लेते हैं सबसे पहले और इसको अच्छे से धीरे से पकड़ लेते हैं, और कॉइल जैसे घुमा है तार वैसे टाइप से हम इसको उसी पोजीशन में ऐसे ऐसे घुमा के धीरे से उसका पोजीशन को उसी साइज में करके हम कॉइल को ऐसे पकड़ के उसको धीरे से स्टेटर में रखेंगे और उसके बीचों बीच इसको डाल देते हैं। देखिए इस प्रकार से डालेंगे, डालने के बाद देखिए इसमें जब जगह दूसरे कॉइल में लग जाए तो उसको हमें ध्यान में रखना है और उसको अच्छे तरह से, देखिए इसके बाद हम सेकेंड कॉइल के 4th नंबर कॉइल डालेंगे, तो उसकी जो पिच मैंने बताया था 1 से 12 नंबर, 1 से 12
तो x12 में डालकर हम कंप्लीट कर लिए हैं दोनों साइड का। देखिए हम जिसे रनिंग कॉइल को डाले थे वैसे स्टार्टिंग कॉइल को भी हम उसी पोजीशन में डाल देंगे, तो इस प्रकार से हमारा स्टेटर बनकर तैयार हो जाता है। इसमें भी दो कॉइल जो निकाले थे रनिंग के दो कॉइल, उसे स्टार्टिंग का निकल गया। अब इसको हमें बांधना है, तो इसको बांधने के लिए हम यहाँ पर देखिए इसके बीच में पेपर डालना है। तो पेपर डालने के लिए इसे अच्छे व्यवस्थित साइज में पहले कर लेते हैं, साइज में करके इसमें पेपर साइज नाप लेते हैं। इसमें एक फार्मल पेपर आता है जो ग्रीन कलर का आता है, वो मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें इसी पेपर को डाल दूंगा जिसमें हम, तो इसको हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं और इसको हम इससे अलग करके रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को शॉर्ट होने नहीं देना है, इससे बचा कर रखना है। तो इससे बचा कर रख कर हम इसको अलग अलग कर देंगे और इसे हम देखिए एक रस्सी धागा लेंगे और उस धागा को यहाँ पर ऐसे बांध लेते हैं और दोनों को अलग हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम इसे मजबूती से इस रस्सी में बांध देते हैं और इसे स्पेस करते करते बांधते जाएंगे। तो देखिए बांधने का एक ट्रिक होता है, तो इस ट्रिक को मैं बताता हूँ आपको। आप भी आप ऐसे घुसा कर उसे ऐसे खींच कर इसको अलग अलग करके बांधते जाओगे तो ये मजबूती से बन जाएगा। ये धागा बहुत मजबूत है जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच की स्पेस बनाता है, जगह बनाता है, अलग करता है। इसमें अलग करके रखेंगे तब ये फैन ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। तो अगर हम ऐसे ही धागा को बांध देंगे तो वो जल्दी रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल शॉर्ट होकर जल्दी से जल जाएगा। इस प्रकार की कॉइल की वाइंडिंग ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो इसे हम अच्छी तरह से इसको जमा लेते हैं और इसे व्यवस्थित करके बांधेंगे। तो इसको हम देखिए ये निकल जा रहा था, तो इसको भी हम ध्यान रखकर इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग को पूरी तरह से अलग करके उसे हम साइज में करके इसको बांधेंगे। बांधने के लिए हम इसको वायर के जो मैंने एक ट्रिक बताया, देखिए इसको ऐसे घुमाकर इसे इसके पीछे से लेकर यहाँ खींच कर इसे बांध देते हैं। इस प्रकार हम सभी तरफ पूरी तरह से घुमाकर हम पूरी लाइन में इस धागा के वाइंडिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से मजबूती से इसकी खिंचाव करके और हम इसको अभी स्पेस में बहुत अच्छी मजबूती से इसको बांध लेते हैं। और देखिए मैंने को सर्दी पकड़ लिया है तो इसलिए सॉरी आवाज़ में कुछ दिक्कत हो तो माफ़ करना। ये पूरा हो चुका है तो इसको मैं यहाँ से देखिए गेट लगा लेंगे और इसे काट देते हैं। तो इस प्रकार से कॉइल स्टेटर में कॉइल को इस प्रकार से बांधेंगे बहुत अच्छी तरह से। इस पर अब हम लीड का कनेक्शन करेंगे। लीड की वायरिंग कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। जैसे रनिंग कॉइल में दो कलर का वायर और स्टार्टिंग में एक कलर का वायर और रनिंग में एक कलर का वायर देना है। तो मेरे पास देखिए रेड कलर का है और नीला कलर का और लाल कलर का वायर है। तो हम एक को रनिंग कॉइल का सेम कलर देंगे और एक को स्टार्टिंग में। तो इसे सबसे पहले सिल्वर का तार है तो इसे हम इस प्रकार से नोक बनाएंगे और उसे घुमा के बांधेंगे। इसके लिए हम स्लीव लगता है जिसमें एक नंबर के चार स्लीव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम इसके अंदर करेंगे। चार स्लीव को एक नंबर का स्लीव है तो इसको हम चारों लीड में इस प्रकार से दो रनिंग का और दो स्टार्टिंग के कॉइल में हम स्लीव को इस प्रकार से अंदर की तरफ कर लेंगे। देखिए और कॉइल को उसी पोजीशन में जैसे हम उस साइड को किया था रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को अलग करके बांधे थे, इसी प्रकार हम इसमें देखिए इसके रनिंग कॉइल पे हम रेड कलर का वायर ले रहे हैं और उसे ऐसे घुमाकर उसे अच्छी तरह से इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं और उसे कट कर देते हैं। इस प्रकार से रनिंग कॉइल की दूसरी लीड में भी उसी पोजीशन में
हम उसको ऐसे घुमाएंगे ताकि वो ना निकले। देखिए इसमें हम सोल्डिंग भी कर सकते हैं, इस सिल्वर वाला सोल्डिंग कुछ दूसरा आता है जिसमें रंगा और पेस्ट काम में नहीं आएगा, सिल्वर में वो सोल्डिंग नहीं होता। इसके लिए एक दूसरा लगाते हैं, तो इस प्रकार हम इस हमारे पास नहीं है तो हमें इसे मजबूती से इस प्रकार से बांधना है। अब देखिए हम स्टार्टिंग कॉइल में नीले वायर को दे रहे हैं, दो डिफरेंट कलर का वायर देना पड़ता है जिससे हमें मालूम हो कि कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का, ताकि हमें कैपेसिटर की ज्वाइन करते समय हम अलग अलग करके उसको देना पड़ता है और समझ में पड़ता है तब। तो इस प्रकार से हम दोनों का कनेक्शन करेंगे और उसको अच्छी तरह से कर लेते हैं और मजबूती से इसको कट कर देते हैं कटर से। और उसके बाद इसमें मैं 3 नंबर का स्लीव लगाना है, क्योंकि ये मोटा वायर था, मेरे पास भी पतला वायर नहीं था तो मैंने मोटा वायर को लिया हूँ। तो इसके लिए मैंने देखा तो 3 नंबर का स्लीव इसमें आ रहा था, तो इसको 4 स्लीव हम लेंगे, 3 नंबर का 4 स्लीव। 4 स्लीव लेने के बाद हम इसको अब यहाँ से घुसा देते हैं, तो ये आ जा रहा है देखिए। तो इसे हम पूरे अंदर तक इसको करेंगे, ये दोनों देखिए, ये स्टार्टिंग कॉइल की है ये नीले वाले, तो स्टार्टिंग कॉइल जो अंदर की कॉइल है स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग के कॉइल को अच्छी तरह से देखिए अंदर की तरफ तक घुसा लेते हैं। और उसके बाद रेड कलर ये रनिंग की कॉइल है, रनिंग की कॉइल में भी इसको हम अंदर तक घुसा लेते हैं। अब उसके बीच में देखिए, बीच में हम अब पेपर को दोनों के अलग करने के लिए डालेंगे ताकि हमारा क्वाइल दोनों से अलग हो और शॉर्ट ना हो, ताकि हमारा फैन बहुत दिन तक टिक सके। तो हम इसे ऐसे इसको व्यवस्थित कर लेंगे और इसे घुमा कर इस लीड के कनेक्शन को हम इस वायरिंग को बांधना है। तो इसके लिए हम धागा जोड़ के मैं रखा हूँ देखिए, तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद धागा को ला के इसको अच्छी तरह से सटा के व्यवस्थित करने के बाद धागा को खींच खींच के उसी तरह से बांधना है, बांधना है। तो इसको देखिए अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं और धागा को सबसे पहले लीड को बांधते हैं ताकि लीड ना फैले ना टूटे और अच्छी तरह से सभी तरफ घुमाते बने। तो सबसे पहले हम लीड से बांधना स्टार्ट करेंगे, तो लीड को इधर से करके इसको मजबूती से इसको बांध देते हैं। एकदम मजबूती से इसको बांध लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद ना इसको घुमा घुमा कर अच्छी तरह से बांधते हैं। लिट को हम इसी प्रकार से यहाँ पर 2-3 बार उसी साइड से घुमा के बांधेंगे ताकि ना खिंचाएगा ना खिसकेगा और यह अच्छी तरह से व्यवस्थित रहेगा। इस प्रकार देखिए हम इसकी वायरिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं ताकि ना खिसके ना खिंचाए और व्यवस्थित रहे। अच्छे से व्यवस्थित करके अब इसको हम बांधना कंप्लीट हो गया है। देखिए इस लीड को कनेक्ट बांध चुके हैं, अब इसके बाद इस साइड को भी बांधते जाएंगे और हम इसमें अब थोड़े स्पीड में
इसमें थोड़ा गैप स्पेस ज़्यादा रखेंगे और बांधेंगे तो हम इतना दूर उसमें बांध देते हैं तब भी ये चलेगा। देखिए इसके बाद हम इसको अच्छे से मजबूती से थोड़ा स्पेस देकर इसको अब बांध देते हैं। लीड के साइड बहुत नज़दीक में बांधना पड़ता था और इस साइड अब थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वाइल है। क्वाइल को स्टार्टिंग और रनिंग क्वाइल को दोनों को अलग करने की जो हमें इसमें रूल्स है उसको फॉलो करना है और इसी रूल्स के अनुसार हम देखिए इसको बांध चुके हैं। अब पूरा तब यहाँ पहुँचते ही हम इसमें भी एक राउंड घुमा लेते हैं और इसको लॉक करके यहाँ पर दोनों में जोड़ लेंगे अच्छे मजबूती से। यहाँ पर देखिए बांध लेते हैं। अब हमारे वायर का हमारे इस क्वाइल की वाइंडिंग में इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे अच्छी तरह से दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे ताकि ना निकल सके। इस तरह व्यवस्थित करके हम इसमें आप दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ से कट कर देंगे। इस प्रकार हमारा हर्राटा फैन का स्टेटर कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आप अपने घर पर हर्राटा फैन की वाइंडिंग बहुत आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके फार्मा का डाटा मैं बताऊंगा। इस प्रकार हम इस दोनों वायर को छील कर इसको चेक करना है जिस सीरीज पर हम सीरीज वायर बनाकर हम सीरीज के पॉइंट में रेड रेड पे कंटिन्यूटी दिखाएगा और ब्लू ब्लू के कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो इस प्रकार हम रेड रेड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी दिखा रहा है और ब्लू ब्लू को कनेक्ट करें तो दिखाएगा और ब्लू और रेड को करेंगे तो नहीं दिखाएगा और ब्लू और बॉडी को करेंगे तो नहीं दिखाएगा और रेड और बॉडी करेंगे तो नहीं दिखाएगा। इस प्रकार से ये अब पूरा हो चुका है हमारा इस प्रकार का कनेक्शन।